और चलिए बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सीएम केजरीवाल का घर पुलिस ने चारों तरफ से बंद कर दिया है। सीएम आवास पर जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है। सीएम हाउस के स्टाफ को भी पुलिस ने बाहर ही रोक लिया है। आपको बता दें, आप नेताओं की तरफ से ये आशंका जाहिर की गई है कि आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। कल सौरभ भारद्वाज और आरतषी मलेरा ने एक्सपोस्ट कर ये जानकारी दी, आशंका जताई कि आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और आइए सीधा मैं अपने सहयोगी राहुल प्रकाश का रुख कर रही हूं, हमारे साथ सीएम आवास के बाहर से ही जुड़ रहे हैं। तो राहुल, जिस तरह से आशंका जताई गई है, कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है? क्या वाकई आज केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जो संभावना थी, तीन नोटिस ईडी द्वारा भेजे गए थे, उसका जवाब दिए गए थे कि अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उन्होंने कहा था सीधे तौर पे कि आप किस हैसियत से मुझे बुलाना चाहते हैं। तो हालांकि तीन जो जवाब थे वो दिए गए थे, लेकिन जांच में जिस तरीके की बात की गई थी कि वो ईडी ने बुलाया था, वहां नहीं पहुंचे थे। तो जिस तरीके की संभावना देर रात से ही ये सुनने को मिली कि जिस तरीके से ईडी के सूत्र जो बताते हैं कि वो वहां पहुंच सकते हैं, हालांकि ऐसी तस्वीर नहीं दिखी, लेकिन जो एरिया है वो पूरा कॉर्डन ऑफ है। वजह साफ है कि संभावना जिस चीज की जताई थी, क्योंकि तीन जो समन थे, समन के बाद ईडी जो है अपनी जांच के दायरे में वो तमाम चीजें कर सकती है, घर पहुंच के पूछताछ कर सकती है, या जो गिरफ्तारी की संभावना आम आदमी पार्टी कह रही है कि गिरफ्तार करेंगे, तो ऐसी संभावनाओं के बीच में तमाम तस्वीर थी। लेकिन अभी की फिलहाल ताजा तस्वीर यह है कि इलाके को चारों तरफ से, यानी जहां जो एंट्री और एग्जिट है उस पर जो पुलिस है वो तैनात है, यानी जो सुरक्षा है उसको घेरा गया है, और जो सीएम आवास के जो स्टाफ हैं उनको बाहर किया गया, यानी संभावना यह है कि ईडी की टीम पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है जांच होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस समन पर जो जवाब दिए जा रहे थे, यानी सवाल जो किया जा रहा था ईडी के समन पर कि आप मुझे किस लिए बुला रहे हैं, किस हैसियत से बुला रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं या कोई गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, इस चीज का वो जवाब ईडी से मांग रहे थे। हालांकि ऐसा जवाब वहां से नहीं मिला, लेकिन ये जरूर है कि ईडी की जो जांच है, ईडी की जांच में जिस तरीके से लीकर केस जो चल रहा था उसके दौरान ये तमाम जो जांच के आगे के पहलुओं को समझना था, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट के आधार पर एक समन था जिसमें जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम केजरीवाल उनसे भी पूछताछ करना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले जो तमाम सीक्वेंस रहा है, कई जांच के दायरे में जो लोग आए उनसे पूछताछ हुई, जिस तरीके से संजय सिंह जिस तरीके की बात की जा रही थी और मनीष सिसोदिया जिस तरीके से बात की जा रही थी जेल थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो संयोजक के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर, आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर या गवाह के तौर पर, तमाम इस तरह की जो चीजें थी उस पर वो पूछना चाहते थे, क्यों बुलाना चाहते। लेकिन आज की जो ताजा तस्वीर यही है कि एक हलचल सी है, एक बात समझ में सीधे तौर पर आती है कि ईडी जो है वो जो लगातार जिस तरीके की बात कर रही थी, लगातार जिस तरीके से समन भेज रही थी, तो उसमें उम्मीद ये थी कि पूछताछ जरूर करेंगी, आज घर पर आके पूछताछ कर सकती है। हालांकि ऐसा होता है कि ईडी की टीम लगातार जब भी जहां जाती है तो अर्ली मॉर्निंग पहुंचकर पूछताछ या तमाम जो उसके जांच होती है वो आगे बढ़ाती है, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी तस्वीर नहीं देखी गई है। लेकिन ये जरूर है कि भारी पुलिस बल के बीच में जो कहा जा सकता है कि जो सीएम केजरीवाल हैं वो अपने घर में मौजूद हैं, जो आसपास का जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ, यानी कहा जा सकता है कि पुलिस बल बंदोबस्त के बीच में रखा गया है, जो सीएम स्टाफ है उनको भी बाहर किया गया है पूरी तरीके से। एक आशंका जताई गई है कि आज सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, तो दिखाइए मुमकिन हो। मुझे लगता है कि आप सीएम आवास से थोड़ा दूर ही हैं, फिर भी क्या माहौल है? बिल्कुल नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा आगे हूं मैं, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके की हैं मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं। सड़क के जिस तरीके की मूवमेंट रहती है, हालांकि सुबह का वक्त है, मूवमेंट अभी हालांकि इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस एरिया में मैं मौजूद हूं उससे थोड़ा आगे ये तमाम जो पुलिस बंदोबस्त है वो किया गया है, और पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर आज देखने को मिल रही है। हालांकि जो एंट्री गेट है वो बहुत पहले से ही बना के तैयार किया गया था, पहले ओपन एग्जिट था, लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें हैं गेट के बाहर पुलिस बंदोबस्त है, अन्य जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं, पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर आज देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक माहौल बना हुआ था, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चला जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें रखी कि किस तरीके से ईडी जो है, यानी सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके गिरफ्तार करना चाहती है मुख्यमंत्री का, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं फिलहाल माहौल बनता दिख रहा है, तस्वीरें दिख रही हैं, ये बताती हैं कि किस तरीके से जो ईडी की जांच है उस दायरे में जो जो आया है उनसे पूछताछ है, लेकिन जो गिरफ्तारी की संभावनाओं की बात की जा रही थी उसको लेकर भी जिस तरीके की तस्वीरें हमने पहले सुनाई थी दिखाई दी, और अब जो तस्वीर है उसमें कह सकते हैं कि फिलहाल
उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से ईडी का जो पूछताछ का दौर है वो कैसा होगा, आएंगे गिरफ्तार करेंगे, क्या लेके जाएंगे साथ में, तमाम वो चीजें सवाल कई हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें यही है कि इलाके को चारों तरफ से जिस तरीके की बात की जा रही है, घर के जो एंट्री और एग्जिट है वहां पे भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। जी बिल्कुल, आशंका जताई गई है, खासतौर से एक्सपोस्ट पर देर रात ये जानकारी देना राहुल की गिरफ्तारी की आशंका वो जता रहे हैं। आज ईडी उनके आवास पर पहुंच सकती है, रेड डाल सकती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों आप नेताओं को ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी होगी ही? क्योंकि अगर हम देखें हेमंत सोरेन, उन्हें भी 7 समन दिए गए और 7वें समन में भी उनसे अब उनके मुताबिक ही जगह और समय पूछा गया, और अभी तो सीएम केजरीवाल को सिर्फ 3 समन ही मिले हैं, तो क्यों आप नेताओं को लग रहा है कि 3 समन के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, ये सवाल पहले से ही उठ रहे थे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, जब उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे संजय सिंह, जिनके घर पर जाके पूछताछ के दौरान उनके गिरफ्तार करके ले गए, और जिस तरीके की एक केस में संबंधित तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया गया, सत्येंद्र जैन जिस तरीके से जेल में थे, तो उनके संभावना के आधार पर हालांकि ये उनको लग रहा था कि अब, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है, तो यही वजह है कि उस दौर को समझते हुए आम आदमी पार्टी इस बात को समझती है कि किस तरीके से आरोप के ऊपर ये बताया जा रहा था कि आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल कर इस तरीके की कार्रवाई करती है, ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। संभावना यही है कि ईडी समन जो दे रही थी उसमें तमाम सवाल करना चाहती होगी, जानना चाहती होगी, समझना चाहती होगी, क्योंकि लिकर केस जिस तरीके से रहा है जिसमें कई इन्वॉल्वमेंट देखी थी, कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें लगातार पूछताछ के दौरान भी थी, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करनी है, तो ऐसे में संभावना है कि वो तमाम जो सीक्वेंस है उसको समझने के लिए जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, यानी कहा जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनसे भी संभावना है कि पूछताछ हो। यही वजह थी कि इनकी बात से, इनके सवालात से, यानी जो संबंध थे इनसे, लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि कहीं ना कहीं वो गिरफ्तारी का दौर हो, गिरफ्तार कर सकते हैं। यही वजह है कि 3 समन देने के बाद भी वो जवाब में ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, संयोजक के तौर पर, नेता के तौर पर, गवाह के तौर पर, या अन्य जिस चीज में वो पूछताछ करना चाहते हैं। तो फिलहाल तस्वीरें यही है कि अलग एक माहौल बन चुका है, क्योंकि लगातार 3रे समन के बाद आप जिस तरीके से संभावना जताई थी ईडी गिरफ्तार कर सकती है, ईडी की टीम आएगी और घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त है और स्टाफ को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि आज जो तस्वीर है वो ईडी की टीम पर है कि किस तरीके से क्या वो आती है, पूछताछ करती है या गिरफ्तारी करती है, तमाम संभावनाएं संभावनाओं के बीच। राहुल, इससे पहले भी अगर याद हो आपको 16 अप्रैल को भी पूछताछ हुई थी, करीब 9.5 घंटे की पूछताछ उससे पहले हुई थी, लेकिन तब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बीच मैं आपके पास लौट रही हूं, इस बीच कुछ बयान भी सामने आए हैं, आइए वो सुन लेते हैं। केस समन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं, कानून के तहत आपके कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है, कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब बिना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ईडी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके यहां वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कभी न कभी आपको ईडी के पास जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत सारे सवालों के जवाब है। जिस प्रकार से के अरविंद, जो मनीष सिसोदिया की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें 5% से 12% कमीशन की गई, इसके सवालों के जवाब तो आपको देने अरविंद केजरीवाल साहब। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 350 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, उसका सवालों का जवाब तो आपको देना ही है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं ईडी के जिसको आपको देना है। आप कब तक भागेंगे अरविंद केजरीवाल साहब? ये जो डर है आपका कि कहीं ना कहीं जिस दिन भी आपको सवालों पे जवाब देने के लिए जाएंगे आप गिरफ्तार हो जाएंगे, यही डर दिखाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। असली मास्टरमाइंड जो है इस पूरे भ्रष्टाचार के वो अरविंद केजरीवाल है। तो आज नहीं तो कल, जब भी होगा, अरविंद केजरीवाल साहब कानून के तहत। तो राहुल, आपने हरीश खुराना को सुना, चाहे यहां पर जितना भी बचने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर ले, लेकिन ईडी और जो सरकारी एजेंसियां हैं वो जिस तरह से शराब नीति घोटाला मामले में मुश्किलें यहां पर आगे भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, वो साफ तौर पर दिख रही है। और अब क्योंकि नकेल सीधा जो अब है सीधा केजरीवाल यानी सीएम तक पहुंच गई है,
नकेल कसने की तैयारी जो की जा रही है और वो फिलहाल आगे भी चाहे लोकसभा चुनाव हो मुश्किलें यहां पर जरूर बढ़ाता दिख रहा है। देखिए जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये साफ है कि इससे पहले जब जो समन भेजा था दूसरा समन उस वक्त जो अन्य राज्यों में चुनाव थे राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिस तरीके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाना था तहां उस समय भी जब समन भेजा था उन्होंने ये जवाब में कहा था कि मुझे प्रचार करने के लिए सरकारी एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है रोके जा रहे हैं आरोप लग रहे थे। और इस बार भी यही है कि अब जिस तरीके से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर था उसमें भी ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें प्रचार का टाइम रहेगा उस दौरान अगर इस तरीके की चीजें होती तो गिरफ्तारी इसीलिए करना चाहते हैं तो ऐसी कई चीजें थी। तो ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि राजनीतिक दल जो है आरोप प्रत्यारोप पर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके की एजेंसियां काम कर रही हैं एजेंसियां जिस तरीके से ईडी का जो काम है ईडी अपने सीक्वेंस के आधार पर काम कर रही है यानी जो अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं जो अब तक समन भेजे गए हैं जो अब तक पूछताछ का दौर अन्य आरोपियों से रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि इसमें जो तमाम लोग जो इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं है उसमें लेकिन कहीं ना कहीं संभावनाओं के आधार पर ईडी अपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट में तमाम चीजें जांचना चाहेगी और अगर उसमें जिस तरीके की समन में अगर पूछताछ में दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र है तो जाहिर सी बात है वो पूछताछ करेगी लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं जिस तरीके की बातें दिख रही हैं उसमें ये साफ है कि तीन समन के बाद जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आप किस लिए मेरे से पूछताछ करना चाहते हैं बात वही है कि क्यों आप मेरे से पूछताछ करना चाहते हैं किस तौर पे किस आधार पर पूछताछ करना चाहते हैं तो वही बात है कि अब ईडी अपने तरीके से जिस तरीके की बात कर रही है कि काम करेगी गिरफ्तार कर सकती है या संभावना है पूछताछ करने घर आ सकती है तो अभी फिलहाल यही संभावना है लेकिन ये जरूर है कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में अगर गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीति से प्रेरित कहा जाता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग है ये आरोप लग रहे थे। हालांकि एजेंसी जिस तरीके से पहले से काम कर रही ईडी अपना काम कर रही थी ईडी ने इसमें गिरफ्तारियां की हैं कई जांच एजेंसियां जिसमें काम कर रही थी तो लगातार जो चीजें हैं वो जांच का विषय थी लेकिन फिलहाल जो इस तस्वीर को देखा जाए आज के सुबह के हिसाब से तो ये कहा जा सकता है कि माहौल यही है कि ईडी की बात का जिक्र जब आया कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है घर पहुंच सकती है तीसरे समन पे जब नहीं पहुंचे तो अब संभावना है कि क्या होगा कैसी चीजें होंगी क्योंकि समन का जवाब नहीं मिला था जिस तरीके से समन का जवाब सीएम को नहीं मिला लेकिन सीएम पूछताछ के लिए भी नहीं पहुंचे यानी पूछताछ उनको करनी थी ईडी को लेकिन अब ईडी क्या करती है कैसे काम करेगी सीक्वेंस उसका क्या रहेगा पूछताछ रहेगी गिरफ्तारी रहेगी ये संभावनाओं का विषय है लेकिन ये जरूर है कि जो ईडी समन करके पूछना चाहती थी वो पूछताछ जरूर होगी। जी बिल्कुल और राहुल अगर ईडी को पूछताछ के लिए या फिर सीएम आवास पर उनको पहुंचना होगा तो वो पहुंचेगी ही। अब ऐसे में उससे पहले ये तमाम तरह का माहौल बनाना सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देना आशंका जताना ये भी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की रणनीति को कहीं ना कहीं साझा कर रहा है संकेत दे रहा है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी यहां पर भी बनाई जा रही है। देखिए तीसरे समन के बाद ही तस्वीर साफ हो गई थी कि तीसरा समन जब पहुंचा है और आपको पहुंचना था लेकिन आप नहीं पहुंचे आपने जवाब दिया है और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको चीज दिख रही है लेकिन जिस तरीके का एक देर रात ये सूचना मिली कि संभावना है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है ये भी अक्सर देखा गया है कि ईडी की टीम अगर पूछताछ करने जाती है तो सुबह बिना किसी को पता चले क्योंकि हम भी अक्सर देखते हैं कि ईडी की टीम छापेमारी करने पूछताछ करने के लिए कई जगह पहुंची है तो उसमें आपको बाद में पता चलता है लेकिन अगर संभावना है कि आ जाएगी सुबह तो इस तरीके का माहौल ये बन चुका है लेकिन फिलहाल ताज़ा तस्वीरें यही हैं कि कॉर्डन ऑफ जो कहा जाए कि घर के आसपास पूरी तरीके से पुलिस बंदोबस्त है और जो सीएम स्टाफ की बात की जा रही है उनको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा लेकिन ये किस तरीके की तस्वीरें हैं और किस तरीके के रुख की ओर ये दिखाता है कि क्या होने वाला है ईडी का काम जो है ईडी करेगी लेकिन कैसे करेगी उसका तरीका क्या है वो आपने और हमने पहले देखा है कि पूछताछ का दौर होता है ईडी तमाम सीक्वेंस और जो गवाह होते हैं या तमाम पूछताछ का एक दौर होता है उसमें तमाम चीज़ें होती हैं बारीकी से उसकी जाँच होती है। हालाँकि अगर उन्हें लगता है कि कुछ उसमें बयानों में हेर फेर है या बयानों में अदला बदली है या बयान बदला जा रहा है तो संभावना है कई उसमें आधार होते हैं गिरफ्तारी के भी लेकिन पूछताछ में तमाम वो सवालात तमाम वो सीक्वेंस को समझना ईडी जरूर चाहेगी क्योंकि जो केसेस हैं जिस केस के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है वो जाहिर सी बात है कई सवाल उनके पास होंगे। तो फिलहाल तस्वीरें यही है कि उम्मीद ये की जा रही है कि ईडी की टीम अगर आती है या पूछताछ करती है तो वो क्या तस्वीर रहने वाली है। जी
बिल्कुल, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से राजनीति भी करती नजर आ रही है राहुल, ये माने, क्योंकि इससे पहले हस्ताक्षर अभियान वो चला चुके हैं जिसमें उन्होंने ये भी संभावना जताई कि अगर सीएम जेल भी चले जाएं तो वहां से भी वो सरकार चलाएं या नहीं चलाएं या इस्तीफा दें, उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, और आज भी उनका कुछ ऐसा ही अभियान मैं भी केजरीवाल वो भी शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए तस्वीरें वही हैं कि जिस तरीके की संभावना की बात की जा रही थी कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी ईडी तो क्या उन्हें सरकार जेल से चलानी चाहिए, इस तरीके का अभियान था, और जिस तरीके का मैं भी केजरीवाल का अभियान, ये जाहिर सी बात है दिल्ली में जहां उनका एक मैसेज है वो मैसेज देने के जरिए ये एक राजनीति जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं कि एक मैसेज भी हो, क्योंकि लोकसभा पहले चुनाव से पहले इस तरीके का समन और गिरफ्तारी की जिक्र हो, और अगर गिरफ्तारी होती है क्या जेल से सरकार, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो एक दिल्ली के अंदर एक माहौल है वो जरूर बन गया है, क्योंकि लगातार हम इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते रहे जिसमें हमने तमाम चीज़ें देखी हैं, जिनकी बयान उन्होंने बताया कि किस तरीके की रणनीति के हिसाब से आम आदमी पार्टी का काम है, और आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है, और अगर एक क्या कहते हैं साफ सुथरा यानी कहा जा सके कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री अगर उसके बाद इस तरीके की जांच एजेंसियां यानी उनको गिरफ्तार करती है तो वो कैसे काम करेंगे, कैसे वो सरकार चलाएंगे, क्या वो जेल से रहकर चलाएं, इस तरीके के कैंपेन चलाए, तो यानी कि एक मैसेज भी दिया गया है दिल्ली की जनता को या दिल्ली के बाहर जिस तरीके से तमाम एक ईमानदार कहने वाली ये पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उपजी थी आज खुद ही उन्हीं आरोप में फंसती नजर आ रही है। अब शराब नीति घोटाला मामला और कितना भारी पड़ सकता है आम आदमी पार्टी पर, ये आगे कुछ देर में तस्वीर भी और ज्यादा साफ होती नजर आएगी।